पंडित गैंगस्टर का भाई जोजो ऑफिसर रितु को फोन करता है और उसे अपने प्यार का वास्ता देके मिलने को कहता है, पर रितु उसे मना कर देती है। इधर एक अनजान शख्स इन्फॉर्मर बाबू खबरी और छोटू खबरी से पंडित गैंगस्टर की कहानी सुनने के बाद उसके छोटे भाई जोजो से मिलने को कहता है। वो शख्स जोजो के साथ मिलके एक डील डन करता है कि अगर जोजो एसटीएफ के तीन ऑफिसर्स को उसके हवाले कर दे तो जोजो के पास ऑफिसर रितु को ले आएगा और दोनों के बीच डील फाइनल हो जाती है। डील के तहत एक चिट्ठी ऑफिसर रणदीप के पास भेजी जाती है जिसमें लिखा है कि पास सीआईडी ऑफिसर अजीत करकरे जेल से फरार हो गया। ये सुन के ऑफिसर रणदीप और पवन दोनों इन्फॉर्मर बाबू और छोटू का पीछा करते हैं, जहाँ छोटू धोखे से ऑफिसर रणदीप को घायल करके भाग जाता है और वहीं बाबू ऑफिसर पवन के हाथ लग जाता है। पवन उसे ये कह के छोड़ देता है कि एक घंटे में उसे अजीत की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अपना प्लान कामयाब होते देख वो शख्स ऑफिसर रितु से फोन पर अजीत बनकर बात करता है और उससे मिलने को कहकर उसका किडनैप करके उसे जोजो के पास ले आता है। वहीं वो शख्स ऑफिसर पवन और रणदीप को पंडित के अड्डे पर बुलाता है। अब आगे पंडित के अड्डे पे हूँ, महफिल सच चुकी है, सोचा कि तुम्हें दावत का न्योता भी दे दूं। तोहफा लाना मत भूलना। तोहफा तो हम लेकर आएंगे, मगर याद रखना ये तेरी जिंदगी का आखिरी तोहफा होगा। मैंने तुम्हारे लिए अपना भाई कुर्बान कर दिया, क्या ये इम्तिहान काफी नहीं है तुम्हारे प्यार के लिए? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने जो भी किया अपने देश के लिए किया, वो मेरा फर्ज था मेरे देश के लिए। वो तुम्हारा फर्ज था जो तुमने देश के लिए किया, पर क्या मेरा प्यार झूठा था जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? तुम ये सवाल मुझसे जितनी बार पूछोगे मेरा जवाब वही रहेगा, नहीं नहीं नहीं। बना तो तुम्हें मैं अपना जबरदस्ती भी सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए। मैं जमीन तू मेरा आसमान, आजा तुझे उड़ूं, हो कभी से जुदा खुद से तुझे जोड़ूं, न कटे तेरे बिन मेरे रात और दिन, ओ कभी ना कोई ऐसी मजबूरी हो जो तेरी रजा तो बना दूं खुदा, दे दे मुझको तू ऐसी मंजूरी तुझको से छूने की मंजूरी, तुझको बाहों में भरने की मंजूरी, ओ खफा लूं मैं ना ऐसी मंजूरी, तुझको सांसों में भरने की मंजूरी, तुझको आंखों से छूने की मंजूरी। सही जाए ना मुझसे दूर,
रजा तो बना दो खुदा, दे दे मुझको तू ऐसी मंजूरी, तुझको आँखों से छूने की मंजूरी, तुझको बाहों में भरने की मंजूरी, ओ खफालू मना वैसी मंजूरी, तुझको सांसों में भरने की मंजूरी, तुझको आँखों से छूने की आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। टीटू, मैं ना कहता था ये प्यार भी बड़ी कुत्ती चीज है यार, कुछ भी करा देती है। तुम यहां से जाओ। आहा, इतनी जल्दी भी क्या है मैडम? हाथ छोड़ उसका वरना। वफादारी तेरे भाई के साथ थी, तेरे साथ नहीं है। पीछे हो जा, कहीं ऐसा ना हो ये 3 mm की गोली तेरे सीने में उतार दूं। तेरा काम हो गया ना, अब इसको जाने दे। तेरे दोनों ऑफिसर्स यहां आ रहे हैं। आ रहे हैं, आए तो नहीं है। जब तक वो यहां नहीं आ जाते तब तक ये मेरे पास रहेगी। अगर उन्होंने कोई चालाकी करी तो मेरे पास कोई होना तो चाहिए उन्हें काबू करने के लिए। टीटू, इसे निशाने पर रखना। हिलना मत, वरना ऐसा ना हो कि एक गोली से दोनों आशिक मरे। इंस्पेक्टर आ गए। क्या बात, मेरे करण अर्जुन आ गए। तुम्हारी तारीफ। तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए, फोन पे तो सब पहचान लेते हैं। क्या करूं, मैंने काम ही ऐसा किया है। अजीत, अजीत ये कैसे हो सकता है? हाँ ऑफिसर्स, ये अजीत ही है। रितु, आप यहाँ कैसे? ये यहाँ आई नहीं है, लाई गई है। तुम चाहते तो मुझे छोड़ सकते थे, पुलिस के हवाले नहीं करते। तुम
तुम लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले करके मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। उसी तरह ऑफिसर रितु ने धोखा दिया जोजो के भाई को मरवा के। ये तो जग जाहिर है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरे सबसे अजीज दोस्त कहाँ गए? खान साहब। खान साहब छुट्टी पर गए, अगर वो यहाँ होते तेरी छुट्टी वही करते। खान साहब भी यहाँ होते तो वो भी मुझे नहीं पहचान पाते। तुम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? मैं ना कहता था मैंने ऐसे कहीं देखा है। हाँ छोटे, यो साला तो अजीत ही निकला। ऑफिसर्स आ गए ना, अब रितु को जाने दे। अभी कहाँ, कुछ पुराना हिसाब किताब तो कर लें। रितू, तू चाहे तो बहती गंगा में हाथ धुले, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं भी हाथ साफ कर ही लेता हूँ। पकड़ इसे, परेशानी से कोई हटना नहीं चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। निकल लो यहाँ से, पैसा तो कुछ नहीं मिलेगा, गोली मिल जाएगी यहाँ से। भाग भाग छोटे भाग, भाग भाग। लेगा
Are you all right? हाँ पवन, ये तो जेल से भागा हुआ है ना, किसी को इसकी खबर है भी नहीं। जो गलती हमने पहले करी थी उस गलती को सुधारना है, हमें क्या पता ये भागा हुआ है। तो फिर भाग गया, उसे फिर पकड़ लेंगे। उसकी इच्छा थी बदला लेने की और वो हमने पूरी कर दी। जस्टिन फ्यूअर्स। ओए, तेरा दिल कितना मस्त धड़क रहा है, एकदम धक 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 धक। अब मैं देखता हूँ कि तेरा दिल कितनी तेज धड़कता है। अबे तेरा तो दिल ही नहीं है, धड़क ही नहीं रहा। बन गया ना उल्लू। उल्लू क्या मतलब? मेरा दिल लेफ्ट मनी राइट साइड में है उल्लू। ये कैसे? यही तो गॉड गिफ्ट है। बदला अब भी बाकी है। तो इतना मालूम है कि 7 जन्म तक ये भूल जाएगा कि हबू कहाँ से। हंस क्यों रहा भाई? मैं तुमसे कितनी बार कहा मुझे फोन मत किया करो, मैं तुमसे दो बार बोला। नहीं पहचान पाए। इटो लगना चाहिए डायरेक्टर एक्टिंग तेरी। रेडी बंदूक टांग। चल वन स्टार्ट मार। अरे बोलना क्या की जो स्टार्ट। तुम्हें तो वो मालूम होता है जो किसी को भी नहीं। स्टार्ट। अरे यार सब स्टार्ट। जोर से जोर से। ओह दिस इज माफिया मैन। हेलो शांत। चल तेरी सनी क्या डाल निकाल यार। कितने आराम से बोल रही है। राइट साइड में। स्टार्ट।
वो मेरे तेरे पूरा ले होगी ना वो मेरा फर्स्ट था मेरे ये चलता है।